हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में देखो हम सभी एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पे जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, इसे समझेंगे। ठीक है, देखो पिछला ही क्लास में हम सभी ने समझा था कि अगर पार पे डिवेंचर इशू हुआ है तो उस पे जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। अब एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट पे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग डालो डिवेंचर्स जर्नल एंट्री से हमारा ए नंबर एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे जो है वो कोई भी कंपनी शेयर इशू करे, शेयर नहीं डिबेंचर से ये डिबेंचर इशू करे, तो देखो प्रीमियम का मतलब समझ में आता है कि लेट्स से कि शेयर अगर 100 रुपए का है तो उसे वो कितने में दे रही है, 110 रुपीज में दे रही है। तो यहाँ पे जो 10 रुपए एक्स्ट्रा है, ठीक है, यही उसका प्रीमियम है। वो ये अमाउंट क्यों दे रही है, आखिर मतलब महंगा करके क्यों दे रही है, क्योंकि इसके कंपनी का जो है वो सिक्योरिटीज का वैल्यू बहुत ज्यादा है, डिमांड अधिक है, तो वो प्रीमियम ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक 100 रुपए का जो डिबेंचर है उसे वो 110 में दे रही है, तो 10 रुपए जो है वो उसके क्या है, प्रीमियम है। ओके, आई बात समझ में। देखो अब यहाँ पे समझ लो कि अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि प्रीमियम आपका अलॉटमेंट पे मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन पे मांगा जा रहा है या फिर कॉल्स पे मांगा जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको जिसमें बोला जाए उसी में प्रीमियम का रिकॉर्डिंग करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको प्रीमियम जो है वो किस में देना है, तो सिंपल समझ लो अलॉटमेंट में देना उस टाइम पे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि कब प्रीमियम देना है तो उस टाइम पे अलॉटमेंट पे देना है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं और जल्दी से इसका जर्नल एंट्री कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि एक कंपनी है XYZ, वो 1000 डिबेंचर्स जो है वो इशू करती है। ठीक है, 1000 डिबेंचर्स इशू करती है एट द रेट ऑफ ₹100। ठीक है, 100 रुपीज का रेट से, और इसमें प्रीमियम है आपका प्लस प्रीमियम 10 रुपए। ठीक है, 110 रुपए पे वो इशू करती है। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिसमें से वो एप्लीकेशन पे कितना मांग रही है, तो एप्लीकेशन पे वो 25 मांग रही है, अलॉटमेंट पे भी वो 25 मांग रही है, फर्स्ट कॉल पे भी वो 25 मांग रही है, और सेकेंड कॉल पे भी वो कितना मांग रही है, 25। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि इनको ऐड किए तो 100 आया, 110 तो आया नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इसमें अगर नहीं बताया गया है कि आपको किसमें देना है तो समझ जाओ कि आपको अलॉटमेंट पे देना है, तो इस पे हम 35 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 25 + 10, 25 रुपए जो है वो आपकी किस चीज के हैं, शेयर डिबेंचर का कीमत है, और 10 रुपए जो है वो आपका प्रीमियम है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो अलॉटमेंट पे ही लेना। ठीक है, अपने मन से फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल या एप्लीकेशन पे मत ले लेना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन में मेंशन करे तब बाकी में ले सकते हैं, अगर नहीं मेंशन करे तो समझ जाना कि अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम मांगा है। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आता है। अब देखो एप्लीकेशन का एंट्री कैसे करेंगे, तो एप्लीकेशन का एंट्री सिंपल है, जैसे पिछला क्लास में किया था हमने। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट लिख लेना 1000 को 25 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और दूसरा एंट्री, तो पहला और दूसरा एंट्री तो सेम होने वाला है इसके बदले में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना तो कितना है 1000 डिवेंचर्स, और इसका रेट कितना है 25, तो 25 लिखेंगे हम, 25,000 एंड 25,000। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ पे रिसीव हो जाता है ना ये। सेकेंड एंट्री की डिवेंचर एप्लीकेशन, फुल फॉर्म लिखना आप सभी। ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पे आपको 25,000 एंड 25,000। देखो जो भी एंट्री है उन सभी एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, बस जो चेंजेस होता है वो किसमें होता है, जिसपे मांगा गया है। तो अलॉटमेंट पे मांगा गया है तो अलॉटमेंट में चेंज होगा, बाकी फर्स्ट कॉल का सेकंड कॉल का जैसे आप करते आ रहे हैं हमेशा से, बस वैसे ही होना है। फर्स्ट कॉल का सेकंड कॉल का एंट्री में कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, जैसे पिछला क्लास में किए थे ना सेकंड कॉल और फर्स्ट कॉल का, तो बस वैसे ही करना। ठीक है, बस यहाँ पे क्वेश्चन अगर चेंज होगा तो आपका जो है वो डिवेंचर इंटू रेट, अलग अमाउंट बस चेंज होगा, और क्या। देखो थर्ड नंबर एंट्री जो है, जो अलॉटमेंट का एंट्री आप करने वाले हैं, आपको पता है कि उसमें जो है वो आपका प्रीमियम आने वाला है, तो आप जैसे ही कॉल करोगे अपने पब्लिक को उस अमाउंट को पे करने के लिए, अलॉटमेंट का अमाउंट को पे करने के लिए, तो आप क्या ड्यू करोगे, आप जान रहे हैं कि आपका उसमें अलॉटमेंट का पैसा के साथ साथ प्रीमियम का भी पैसा आने वाला है, तो आप उसे भी तो ड्यू करोगे। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट आप करोगे डेबिट टू क्या, डिवेंचर अकाउंट तो हम करेंगे ही, टू डिवेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ओके, SPR। ये क्यों किया आपने? तो देखो डिबेंचर अलॉटमेंट में आपका कितना जाने वाला है, तो टोटल 35 जा रहा है, तो यहाँ पे आप 1000 × 35 करके लिखोगे अमाउंट। यहाँ पे टू डिबेंचर अकाउंट में, डिबेंचर में आपका कितना जा रहा है, तो डिबेंचर का अपना अमाउंट कितना है, कितना रेट है 25, तो यहाँ पे 1000 × 25 करके लिखोगे। और देखो प्रीमियम का पैसा कितना है, ₹10 आपका प्रीमियम है जो इसमें मांगा गया है, तो इसमें आप क्या करोगे, सिंपल है 1000 × 10 करके लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको अमाउंट बैठाना है। ये हो गया 35,000, ये हो गया आपका 25,000 एंड ये 10,000। 35,000 आपका अलॉटमेंट पे आने वाला है, ठीक है। ये आप ड्यू करोगे, आप यहाँ पे नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, ओके, आई बात समझ में। नेक्स्ट, अब आपको ये अमाउंट जो है वो रिसीव हो जाता है, तो 4th नंबर आप इसको रिसीव करने का करोगे, तो बैंक अकाउंट को तो आपको डेबिट करने होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, आई बात समझ में। और कितना ये आएगा आपका 35,000 एंड 35,000। अब बताओ 35 क्यों, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी तो है, आप उसे कहाँ छोड़ दोगे, तो इस तरीके से आपको दिखाना होता है। अब रही बात कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री कैसे करेंगे, तो पता है आप सभी को कि जैसे हमेशा से करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही एंट्री करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या करोगे पता है ना, मैं फर्स्ट कॉल का करके बता देती हूँ, सेकंड कॉल का कर लेना खुद से, बस नेम ही तो चेंज करना है। तो यहाँ पे आप अब आप क्या करोगे, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और अमाउंट कितना बाकी है, तो 1000 × 25 इसका रेट है ना, तो 25, तो ये हमारा 25,000 एंड 25,000 ऐसे लिखेंगे हम सभी, ठीक है। देन अब आप इसे क्लोज करोगे। देन 6 नंबर की आपका रिसीव हो जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फुल में लिखना आप सभी, ठीक है, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 25K एंड 25K। अब देखो 6 ही एंट्री नहीं होने वाला, एंट्री नंबर 7 एंड एंट्री नंबर 8 खुद से करना है आप सभी को, छोड़ मत देना, ठीक है, कर लेना। तो इस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे जब आपको प्रीमियम पे डिबेंचर इशू हो। अगर डिस्काउंट पे इशू हो तब तो डिस्काउंट का चलो मानते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, और कर दू मैं चेंजिंग, तो बस अमाउंट का अभी मैं अमाउंट बस मैं इरेज करूंगी, ठीक है। सो बस अमाउंट पे क्लीनिंग करते हैं हम सभी। हाँ, तो यहाँ पे अमाउंट मैंने चेंज कर दिया, और ये अब हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो एट डिस्काउंट पे है, ठीक है। पार का तो पिछला ही क्लास में समझ लिए थे, प्रीमियम का समझ लिया, और अब डिस्काउंट पे समझेंगे। देखो शेयर को जो है वो हम लोग डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, बट डिबेंचर्स को तो कर सकते हैं, तो अभी तो हम डिबेंचर्स ही पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे मानते हैं कि XYZ एक कंपनी है और ये 1000 शेयर इशू करती है एट द रेट ऑफ ₹90, कितना पे, ₹90 पे, ठीक है। अब पता नहीं है कि ₹10 वो क्यों छोड़ रही है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन पे 25 मांगा जा रहा है, मतलब इस तरीके से आपको दिया गया है कि आपका एप्लीकेशन पे ₹25 मांगे जा रहे हैं, अलॉटमेंट पे 25 मांगा जा रहा है, फर्स्ट कॉल पे 15 मांगा जा रहा है, और सेकेंड कॉल पे भी 25 मांगा जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको बताया गया है। अब इसमें आपका इसमें लिखा हुआ नहीं कि आपका जो डिस्काउंट है वो अलॉटमेंट पे दिया, फर्स्ट कॉल पे दिया या सेकेंड कॉल पे दिया, तब आप क्या करोगे। तो जैसे हम जानते हैं कि आपका फर्स्ट कॉल पे हो या सेकंड कॉल पे हो या लास्ट फाइनल कॉल पे हो, ये मेंशन ना हो, तब सीधा समझना है कि अलॉटमेंट पे मिला है, ठीक है। जैसे अभी आप प्रीमियम में हम सभी ने समझा ना कि अगर मेंशन किया गया कि प्रीमियम किस में मिला है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेंशन नहीं किया गया कि आपको प्रीमियम किस चीज पे मिला है, मतलब किस इंस्टॉलमेंट पे मिला है, तब आप अलॉटमेंट पे लोगे। यहाँ पे भी वही है, अगर आपको पता नहीं है कि डिस्काउंट किस पे मिला है तो समझ जाना है कि डिस्काउंट अलॉटमेंट पे मिला। अब अपने मन से मत समझ आना कि बस देखो फर्स्ट कॉल का पैसा कम है, मतलब 25 फर्स्ट कॉल का कम है तो फर्स्ट कॉल पे ले लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं मानना। ये आपका रेट गिवन है कि फर्स्ट कॉल पे ₹15 लेगा, सेकेंड कॉल पे 25 लेगा, एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 25, लेकिन ये नहीं लिखा कि ₹10 कम वो किस पे ले रहा है। तो समझना क्या है कि अलॉटमेंट पे ले रहा है, आपको मानना है कि इसमें 25 + ₹10 था, आई बात समझ में। मतलब इसका कीमत जो है वो ₹35 था, लेकिन ₹10 छोड़ दिया, अब वो 25 ही ले रहा है। आप देखो ऐड करके इसका मतलब यही होगा, ठीक है। अपने मन से इसमें फर्स्ट कॉल का कम है तो फर्स्ट कॉल का मत ले लेना अपने मन से ₹25, ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, तो इतना ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहला एंट्री तो सेम होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और कितना करेंगे हम, तो 1000 × 25 है, तो 1000 × 25 25,000, और ये 25,000। और यहाँ बैंक में भी आपको 25 नरेशन क्या लिखेंगे, विंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड का नरेशन क्या लिखेंगे, विंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। और थर्ड नंबर जो डिवेंचर अलॉटमेंट पे है आपका, इस एंट्री में बदलाव होने वाला है। बदलाव क्या देखते हैं हम। देखो जब सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल रहा था तो हम उसे क्रेडिट कर रहे थे। क्रेडिट क्यों कर रहे थे, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो प्रॉफिट है, बट यहाँ पे तो आप डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो क्या डिस्काउंट आपका प्रॉफिट है? डिस्काउंट आपका प्रॉफिट है क्या? नहीं। डिस्काउंट अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आपका ये लॉस है, और लॉस को हमेशा डेबिट करते हैं, पता है ना। तो यस, यहाँ पे हम लॉस को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे हम डेबिट? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, यही लिखना। अब देखो आपको क्या करना है, डिबेंचर का अपना अमाउंट कितना है, तो 25 है, 25 है ना इसका रेट, देखो 25 इंटू 1000, ठीक है। तो ये आपका 25,000 डिबेंचर का रेट है, और डिस्काउंट आपने कितना दिया, तो 1000 शेयर पे, मतलब 1000 डिबेंचर पे आपका 10 रुपए जो है वो डिस्काउंट दे दिया आपने, मतलब कि 10,000 रुपए आपने डिस्काउंट दे दिया। आपका डिबेंचर में आने वाला कितना था, 35,000 रुपीज। आई बात समझ में? अब आगे समझो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, मतलब आपका जब अलॉटमेंट में पैसा आएगा तो कितना आएगा, क्या 35 आएगा, 25 या 10? तो देखो ऐसा कैसे हो सकता है, 10,000 तो आपने छोड़ दिया ना, डिस्काउंट दे दिया आपने, डेबिट कर दिया इसे, अब आपको ये नहीं मिलने वाला, ये आपका लॉस है। तो आपका बैंक में कितना आएगा, जितना अलॉटमेंट का अपना पैसा है, जितना अपना कीमत, उतना जितना उसको मांगा गया है, तो 25 रुपए ही तो मांगा गया है, 25,000 ही। तो यस, यहाँ पे आपका 25,000 और 25,000 होने वाला है। आई बात समझ में? अब डिबेंचर फर्स्ट कॉल का तो 1,000, अब का जो एंट्री है उसमें फिर कोई चेंजेस होने ही नहीं वाला। 1,000 इंटू 15 है, तो 15,000 आप इधर लिखोगे और 15,000 आप क्रेडिट में भी लिखोगे, और यहाँ बैंक में भी आपका 15,000 आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। और जब फाइनल कॉल का एंट्री करोगे तो डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, तो उसमें 25 से मल्टीप्लाई करना, अमाउंट 25,000, 25,000। फिर बैंक में आपका ये अमाउंट आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और उसमें भी 25,000 दिखा देने हैं। आई बात समझ में? आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया कि एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पे जब डिबेंचर इशू हो तब आपको कैसे एंट्री करना है। ओके, आई बात समझ में? आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। सो अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम सभी इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश को समझेंगे, तो इसे हम बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही हमारा रहने वाला है। सो आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आ गया। थैंक यू, हैव अ गुड डे।